हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे पर यूपी पहुंची। लखनऊ एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए। एयरपोर्ट से निकला समर्थकों के साथ प्रियंका गांधी का काफिला। प्रियंका के समर्थन में लगे नारे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी प्रियंका। 3 दिन के दौरे में प्रियंका 2022 चुनाव के घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद करेंगे शुरू। कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन मजबूत करने का देंगी मंत्र। प्रियंका गांधी के दौरे से यूपी कांग्रेस में उत्साह। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के पास लगे बैनर और पोस्टर। यूपी दौरे के पहले दिन प्रियंका गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी और योगी पर बड़ा हमला। ट्विटर पर लिखा, कोरोना पर प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट से नहीं छुप सकती योगी सरकार की लापरवाही और क्रूरता। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का दावा, प्रियंका इकलौती नेता जिस पर यूपी की जनता को भरोसा। 2022 में कांग्रेस की बनेगी सरकार। प्रियंका ने कहा, दूसरी लहर में यूपी के लोगों ने अपार पीड़ा और बेबसी का किया अकेले सामना, जनता ये कभी नहीं भूलेगी। प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। कहा, 2022 में कांग्रेस का 2017 से भी बुरा होगा हाल। कांग्रेस ने प्रियंका के यूपी दौरे पर बीजेपी के बयानों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पीएल पुनिया ने कहा, प्रियंका के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह। संगठन की कमी को दूर करने में देंगे निर्देश। पीएम मोदी के काशी दौरे के बाद इलेक्शन मोड में यूपी बीजेपी। लखनऊ में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक। मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने किया विपक्ष पर हमला। कहा, पहले यूपी तुष्टीकरण की राजनीति में था ग्रस्त। प्रदेश में 4 साल के अंदर भी नहीं हुआ एक भी दंगा। नड्डा ने कहा, 4 साल पहले तक यूपी में नहीं था विकास, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के सबसे लीडिंग स्टेट में से एक। वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी पर जनता का विश्वास बढ़ा। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति का रोडमैप होगा तैयार। संगठन को और मजबूत बनाने पर दिया जाएगा जोर। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर गरमाई सियासत। आगरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। देश विरोधी नारेबाजी के मामले में बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर हमला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, माफी मांगे अखिलेश यादव। देश विरोधी नारेबाजी पर योगी के मंत्री मोहसिन रजा ने भी एसपी को घेरा। कहा, इनकी विचारधारा यही, इनके दिल में बसता है पाकिस्तान। आगरा में देश विरोधी नारेबाजी में पुलिस का एक्शन। वीडियो के आधार पर 5 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की शिनाख्त बाकी। देश विरोधी नारे लगाने के आरोपियों के नाम आरिफ खान, पंकज सिंह, दीपक, मधुकर सिंह और चंद्रप्रकाश। आरोपी एक दूसरे पर लगा रहे हैं इल्जाम। पुलिस ने जांच के लिए भेजे वॉइस सैंपल। आगरा एसएसपी मनुराज ने इंडिया टीवी को बताया, गिरफ्तार 5 आरोपी सपा से जुड़े। आरिफ खान उत्तरी विधानसभा का सचिव, पंकज सिंह एसपी वार्ड अध्यक्ष, बाकी आरोपी नॉर्मल कार्यकर्ता। गिरफ्तार आरोपियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से किया इनकार। समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष सचिन शर्मा पर लगाया फंसाने का आरोप। आगरा में महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान लगे थे देश विरोधी नारे। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी जिला अध्यक्ष ने खुद की थी नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अमेठी के बाद रायबरेली में भी स्मृति ईरानी की एंट्री। दिशा नाम के संगठन ने सोनिया की जगह स्मृति को बनाया अपना अध्यक्ष। केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है दिशा। नई सुलझी पंजाब कांग्रेस की कलहा। 10 जनपद में सोनिया गांधी से मिले सिद्धू, नहीं निकला कोई फॉर्मूला। सोनिया के साथ बैठक के बाद बोले हरीश रावत। कहा, पंजाब पर नहीं हो सका कोई फैसला, सोनिया लेंगी अंतिम फैसला। सोनिया गांधी से सिद्धू की मुलाकात में हरीश रावत भी थे मौजूद। पंजाब के प्रभारी हैं रावत। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू का मिशन रेजिग्नेशन फेल हुआ। आलाकमान के सामने किया था दावा, 13 मंत्रियों और कई विधायकों के सामूहिक इस्तीफे सौंप सकते हैं। कल सिद्धू की बैठक में केवल 4 मंत्री और 4 विधायक ही पहुंचे। बैठक में आए विधायकों और मंत्रियों ने भी इस्तीफा देने से किया इनकार। सिद्धू की बैठक में शामिल कांग्रेस विधायकों ने किसी खास मकसद से बैठक से किया इनकार। कहा, बैठक में इस्तीफे जैसे किसी बात पर नहीं हुई कोई चर्चा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू खेमे में ठनी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों और विधायकों के साथ सिद्धू की गुप्त बैठक से कैप्टन अमरिंदर खफा। नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से फोन पर की लंबी बात। सीक्रेट मीटिंग और सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले का किया विरोध। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की आलाकमान को दो टूक। कहा, सिद्धू के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे चुनाव। अगर सिद्धू को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष तो पंजाब कांग्रेस के हो जाएंगे 2 टुकड़े। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की कलह पर बीजेपी ने कसा तंज। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, दोनों नेता जनता से कटे, पंजाब से कांग्रेस की विदाई तय। सिद्धू पर बीजेपी ने लगाया ब्लैकमेलिंग करने का आरोप। पंजाब बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा, सिद्धू का मकसद राजनीति में पंजाब की नहीं अपनी सेवा करना है। अकाली दल ने भी कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई को ड्रामा बताया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस कर रही है कोशिश। सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह विवाद के बीच मनीष तिवारी ने पंजाब की जनसंख्या का विवरण दिया। लिखा, पंजाब में हिंदू आबादी करीब 39%।
पंजाब चुनाव से पहले सुखबीर सिंह बादल का बड़ा ऐलान, अकाली दल की सरकार बनी तो एक डिप्टी सीएम हिंदू समाज से होगा, दलित डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं बादल। एनडी बीजेपी मोर्चे की कोशिशें फिर हुई तेज, इस महीने दिल्ली आएंगी ममता बनर्जी, विपक्षी नेताओं से कर सकती हैं मुलाकात। खबरों के मुताबिक 25 जुलाई को दिल्ली आएंगी ममता बनर्जी, दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों का भी करेंगी दौरा। अपनी दिल्ली को लेकर बोली ममता बनर्जी, कहा अगर समय मिला तो राष्ट्रपति और पीएम से भी करूंगी मुलाकात। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।